बागपत जनपद के थाना रमाला क्षेत्र में एक मंदिर में साधु की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के पीछे दो साधुओं में प्रसाद वितरण को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है, जिसमें एक साधु ने दूसरे साधु की देर रात बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद सुबह उसका मंदिर में शव मिला। फिलहाल पुलिस हत्या की बात से इनकार कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्पष्ट करने की पुलिस अधिकारी बात कह रहे हैं। दरअसल वारदात किशनपुर बराल गांव को, जहां बीते रात एक मंदिर में भंडारे का आयोजन चल रहा था और इसी दौरान भंडारे के प्रसाद वितरण को लेकर दो साधुओं किशनगिरी और एक अन्य साधु राधेगिरी की कहासुनी हो गई और भंडारा खत्म होने के बाद रात में दोनों साधु के बीच मारपीट हो गई और राधेगिरी साधु ने किशनगिरी महाराज नाम के साधु की अन्य साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद अन्य साधु ने दोनों का बीच बचाव करवाया, लेकिन सुबह होते ही किशनगिरी का मंदिर में जहां वो सो रहा था उस स्थान पर शव पड़ा मिला, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मंदिर में मौजूद अन्य साधुओं ने आरोपी साधु राधेगिरी पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं फिलहाल पुलिस हत्या से इनकार कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट करने का दावा पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। बागपत से रूप कंवर गहलावत की रिपोर्ट। ये घटना भक्तों के कारण घटी है, ये भक्तों की जो राजनीति है मंदिर में आकर टोली लगाना में से आपस में तनाव आ गया, महाराज जी में तनाव आ गया, जिसमें महाराज जी का गंगागिर महाराज जी हैं और अजयगिर महाराज जी हैं, इनका मार पिटाई करी इनके साथ। इन्हीं के साथ हम यहाँ पर नहीं थे, गाँव के ही हैं, भगत लोग हैं, जो भी है पता नहीं कौन है। जब आए थे आपने क्या? महाराज जी हैं, दूसरे जो महाराज राधेगिर महाराज जी हैं उनके, और वो मारपीट कर रहे थे। मारपीट के बाद क्या हुआ? मारपीट के बाद यही होगा सर, एक साधु की पीट पीट कर हत्या कर दी। नहीं नहीं, पीट पीट कर हत्या करने की बात नहीं है। रात में यहाँ पर कल भंडारा था, भंडारा में दो साधु आपस में लड़ पड़े थे, इसमें से एक साधु तो सुबह मृत पाया गया, उनके शरीर कोई गहरा चोट नहीं है, तो ये पुलिस ने पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए मृत को कारण जानने के लिए भेज दिया। घटना कहाँ हुई है? मंदिर के ही अंदर ही हुई है, आपस में साधु लोग दो लोग लड़ गए थे और अभी फिलहाल कोई तारीख भी नहीं प्राप्त हुई, लेकिन इसकी जांच की जा रही है, जैसा जाँच भी होगा सही कार्रवाई। अभी कितने लोगों से पूछताछ की जा रही है? मंदिर में जो महात्मा उनसे पूछताछ किया गया था, लेकिन ये लोग बताया कि दोनों आपस में झगड़ा हुआ था, फिर दोनों सो गए, सुबह एक डेड बॉडी के लिए मतलब वहीं भरा मिला था, उसकी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की भेज देंगे उसका जानने के लिए। थैंक यू।